नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उत्कर्ष शुक्ला और आप सभी का स्वागत करता हूं मैं क्रिकेट कीड़ा की एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टीम इंडिया के परफॉर्मेंस के बारे में, जिस परफॉर्मेंस से टीम इंडिया ने इंग्लैंड में हमारी फजीहत करा दी। न्यूजीलैंड के खिलाफ जब टॉस करने उतरे विराट कोहली, तो उन्होंने टॉस जीत कर लिया बैटिंग करने का निर्णय, जो कि गलत साबित हुआ क्योंकि टीम इंडिया ने सिर्फ 179 रन्स बनाए। ये दोस्तों वही पिचेस हैं जहां पे दूसरी टीम 350 के अराउंड रन्स बना रही हैं। तो इतना कम रन क्यों बना? क्योंकि हमारे ओपनर सिर्फ दो दो रन बनाकर पवेलियन लौटे। उसके अलावा केएल राहुल, दिनेश कार्तिक चार चार रन बनाकर पवेलियन लौटे। जिन्होंने रन बनाए वो थे रविंद्र जडेजा 54 रन्स, हार्दिक पंड्या 30 रन्स, MS धोनी 17 रन्स और विराट कोहली 18 रन्स। थोड़ा बहुत साथ मिला उन्हें टेल एंडर्स का, लेकिन जब हमारे टॉप ऑर्डर ही फेल हो जाएंगे बैट्समैन, तो फिर हमें कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा इस वर्ल्ड कप में। दोस्तों, ऐसी परफॉर्मेंस अगर जारी रही तो टीम इंडिया के इस वर्ल्ड कप को जीतने का सपना फिर से एक बार चकनाचूर होगा। दोस्तों, अगर हम बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात करें तो बॉलिंग डिपार्टमेंट का परफॉर्मेंस कई गुना अच्छा रहा हमारे बैटिंग डिपार्टमेंट से। जब बैटिंग डिपार्टमेंट हमारा इतना कम रन बनाता है तो प्रेशर ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है बॉलिंग डिपार्टमेंट पे, लेकिन उस प्रेशर को अपने ऊपर ना आते हुए बॉलर्स ने अच्छी परफॉर्मेंस दी। न्यूजीलैंड ने 180 रन का स्कोर तो चेस कर लिया, लेकिन उनके चार विकेट हमारे बॉलर्स ने झटक लिए। विकेट टेकर्स में जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा शामिल रहे। दोस्तों, अगर इसी तरीके का टीम इंडिया का परफॉर्मेंस जारी रहा तो मैं आलोचना नहीं कर रहा, लेकिन ये साफ तौर पे देखा जा सकता है कि इस तरीके के परफॉर्मेंस से कोई भी टीम वर्ल्ड कप नहीं जीत सकती। जहां पे इंग्लैंड में 350 के आसपास के रन बना रही है दूसरी टीमें, हम 180 रन पर ढेर हो जाएं तो वर्ल्ड कप देखने का ख्वाब छोड़ देना चाहिए। लेकिन मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि अगले प्रैक्टिस मैच में बांग्लादेश के खिलाफ टीम इंडिया अच्छा परफॉर्मेंस देगी, थोड़ा कॉन्फिडेंस गेन करेगी और अच्छा परफॉर्मेंस के साथ इस वर्ल्ड कप को अपने घर लाएगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को दीजिए एक लाइक, शेयर कर दीजिए अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वर्ल्ड कप से रिलेटेड न्यूज़ को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही सब्सक्राइब करने के बाद जो घंटी वाला आइकन आता है उसे दबाना बिल्कुल ना भूलें।